सो हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग का वेलकम है आपकी शानदार सी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि कल है आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एंड बजट भी बहुत जल्द आने वाला है, तो उन सब के बारे में हल्का से डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, एंड वीडियो की स्टार्टिंग ही में आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। चलते गए, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आज की मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल मार्केट थी। आज की मार्केट में ऑप्शन बायर्स के लिए पैसा बनाना वॉज रियली वेरी हार्ड। अगर आपने आज के दिन में प्रॉफिट बनाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं भी बने तब भी कोई बुरी बात नहीं है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आज की मार्केट वॉज रियली वेरी हार्ड फॉर ऑप्शन बायर्स। दोनों साइड में मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पे काम कर रहा था और किसी भी साइड यूनिडायरेक्शनल मार्केट मूव नहीं दिया, एक्सेप्ट कि लास्ट में आपका थोड़ा से निफ्टी में फॉल एक अच्छा आता हुआ दिखा, उसके अलावा कुछ नहीं। बट हमारे लेवल्स पूरे के पूरे प्रॉपरली फंक्शन करे थे। आप निफ्टी के जाके देखिएगा, डॉट टू डॉट लेवल्स एकदम टॉप लेवल से रिजेक्शन लिया था जो कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में दिया गया था, एंड एकदम बॉटम लेवल पे ही जाके क्लोजिंग करा था। आप सभी के सभी लोग अपलोडेड है, आप लोग जाके वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। और फिर निफ्टी में भी सिर्फ आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं कुछ भी चल रहा था, सिर्फ अप डाउन अप डाउन अप डाउन वोलेटिलिटी चल रही थी, जिसमें आपका मार्केट परेशानी करने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसी मार्केट में सिर्फ एक दो स्कैल्प में अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद बुक करके साइड कर देना चाहिए। ज्यादा ग्रीड के चक्कर में आपका प्रॉफिट्स बहुत इजीली चला जाता है मार्केट से, इसको याद रखेगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं कल की मार्केट एंड एवरीथिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, इसका ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात तो ग्लोबल मार्केट्स को एंड एवरीथिंग को देखोगे अगर आप, तो ग्लोबल मार्केट्स इस टाइम अभी आपके न्यूट्रली चल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट आपके पॉजिटिव ही चल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट में कहीं से भी कोई भी नेगेटिविटी का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है, इसको याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर मैं डाउ के फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करूं तो डाउ के फ्यूचर्स थोड़ा सा नेगेटिव चल रहे हैं, एंड उसके साथ साथ नैसडैक के फ्यूचर्स को भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये लोग भी थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव ही चल रहे हैं। ठीक है, बट यूरोपियन मार्केट अभी आपकी न्यूट्रल है, तो इसीलिए इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि आज रात में जब यूएस मार्केट काम करेगा ना, उसके बाद जो फाइनल मार्केट का मोमेंटम रहेगा उससे हम लोग वर्डिक्ट निकाल सकते हैं कि मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलेगा। अभी देख के हम लोग नहीं कह सकते कि मार्केट में एक गैप अप होगा कि गैप डाउन का सिनेरियो बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो होता हुआ दिखेगा ओआई डाटा। उससे पहले ग्लोबल इवेंट्स को देख लेते हैं, क्या कोई ग्लोबल इवेंट आज के दिन में इंपॉर्टेंट है, तो उसका आंसर है नहीं। आज कोई भी बहुत ज्यादा ग्लोबल इवेंट का सिनेरियो नहीं है, और एफएनओ स्टॉक्स के रिजल्ट्स में भी मैक्सिमम के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कुछ के पेंडिंग है तो वो भी आते हुए दिख जाएंगे, उससे भी बहुत ज्यादा मार्केट में इफेक्ट नहीं पड़ता हुआ दिखेगा। बट आज के दिन में मार्केट ने बजाज फाइनेंस के रिजल्ट को काफी नेगेटिविटी के साथ लिया था, इसीलिए आज आपका फिन निफ्टी पूरा दिन नहीं उठ पाया, एंड उसके साथ साथ बजाज फाइनेंस एंड एवरीथिंग काफी ज्यादा गैप डाउन भी खुलता हुआ दिखा। सो ये एक थोड़ा सा एक नेगेटिविटी की बात मानी जाएगी, नेगेटिविटी का कंसर्न माना जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं, जो होता हुआ देखेगा ओआई डाटा। अगर आप ओआई डाटा ओपन इंटरेस्ट को देखने का ट्राई करोगे तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो अभी ओवरऑल में देखोगे तो 21,700 पे कॉल राइटर्स का बढ़ चुका है काफी अच्छा खासा, एंड पुट राइटर्स का 21,500 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट है निफ्टी के अंदर। एंड अगर आप बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करोगे तो बैंक निफ्टी में देखेगा कि ओवरऑल में 45,500 पे कॉल राइटर्स काफी अच्छे खासे प्रेजेंट है, और सपोर्ट में 45,000 का पुट राइटर्स आपके थोड़े बहुत प्रेजेंट है, इसको याद रखिएगा। सो ये आपका अभी बैंक निफ्टी का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। तो मतलब कल के दिन में अगर बैंक निफ्टी 45,500 को क्रॉस करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल के दिन में एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग की रैली हम लोग को कल के दिन में मिल सकती है, इस पॉइंट को भूलना नहीं है। ठीक है गाइस, इसको याद रखते हुए काम करना है। अब नेक्स्ट पार्ट को देखने की कोशिश करेंगे, जो होता हुआ देखिएगा आपका FIIs एंड AIIs डाटा। अगर अभी देखेंगे तो शायद FIIs एंड AIIs डाटा अभी अपडेट हुआ नहीं है, वो आपका होता हुआ दिखेगा। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि FIIs ने आज नेट बाइंग करी, कितना क्वांटिटी की बाइंग करी, एंड DIIs ने आज नेट बाइंग करी या नेट सेलिंग करी, वो कितना क्वांटिटी की नेट करते हुए दिखे, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपनिंग नहीं कराया गाइस, तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अपना धन एलाइज ब्लू एंजल वन किसी में भी ओपनिंग करके ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए। प्रीमियम मेंबरशिप में फिलिंग चल रही है, सो उसमें आपका भी होता हुआ दिख जाएगा, मिस आउट ना करिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि कल का मार्केट का प्राइस एक्शन एंड एवरीथिंग क्या हो सकता है। उससे पहले गाइस, अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करोगे, थोड़ा से इंडियन मार्केट का वन डे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करोगे, तो आपको यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। अभी भी मार्केट एक कंफ्यूज्ड है कि हमको किस डायरेक्शन में फाइनल मार्केट को लेके जाना है, अभी भी क्लियरेंस मिल ही नहीं पा रहा मार्केट को एक यूनि डायरेक्शनल, वो भी लगभग बहुत दिनों से। अगर आप देखोगे कितने दिनों से ये रेंज चलती हुई दिख रही है, तो आप देखने की कोशिश करोगे तो लगभग लगभग आप समझ सकते हो लगभग 48 डेज से आपका मार्केट एक छोटे से जोन के बीच में
मूव करता हुआ दिख रहा है। इस ऊपर वाले पार्ट को हटा दो तो 700 पॉइंट्स के जोन के बीच में निफ्टी काफी दिनों से मूव कर रहा है, कोई भी यूनिडायरेक्शनल मोमेंटम मार्केट ने अभी दिया नहीं है। और बैंक निफ्टी में भी देखो कि बैंक निफ्टी में ये वाला सेल ऑफ का प्रेशर अच्छा ब्रेकडाउन कराया, बट अभी रिसेंट डेज में थोड़ा सा कंफ्यूज है मार्केट। तो मुझे जितना लगता है बजट के बाद शायद मार्केट वन डायरेक्शनल थोड़ा बड़ा मूव करे, तो उसके लिए आपको भी वेट करना चाहिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज लास्ट लास्ट में होती हुई दिखी थी जो बहुत लोग शायद नहीं देख पाए होंगे, बट जो लोग भी क्रिप्टो की स्ट्रीम को अटेंड कर रहे थे उनको पता चल गया था। लास्ट क्लास में मार्केट में एक रेड कैंडलस्टिक बहुत एग्रेसिव निफ्टी बैंक में भी बनी एंड फिर निफ्टी में भी बनी, तो ये एक बहुत एग्रेसिव कैंडलस्टिक थी क्योंकि इसमें प्रीमियम्स भी, जैसे कि एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूँ, 280 रुपीस का प्रीमियम 370-380 तक पहुंच गया था। तो 100 पॉइंट्स के प्रीमियम जंप आपको लास्ट मिनट पे मिलते हुए दिखे थे। तो यहाँ पे या तो कुछ ऑपरेटर को पता है कि कल गैप डाउन खुलेगा या कुछ भी, बट यहाँ पे एक बहुत तेजी से प्रीमियम जंप आप लोग भी जाके अपने चेक कर सकते हो यहाँ पे मिलता हुआ दिखा था। तो इसकी वजह से हम लोग ने वैसे नो ओवरनाइट रखा है और कुछ लोगों ने बेरिशी साइड का रिस्क लेने की कोशिश करा है। तो देखते हैं मार्केट कैसा ओपनिंग करता हुआ दिखता है, ठीक है गाइस। लाइक करते चलिएगा, 1000 लाइक्स का एम है इस वीडियो का, प्लीज काइंडली आप सभी के सभी लोग कर दीजिएगा एंड शेयर भी जरूर करने की कोशिश करिएगा। अब चलते हैं जल्दी से लेवल्स एंड एवरीथिंग को देखने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी के लेवल्स को आप लोग मार्क कर लीजिए। सबसे टॉप लेवल बैंक निफ्टी का 45,905, देन उसके बाद 45,663, देन उसके बाद 45,499, देन उसके बाद 45,208, देन उसके बाद 44,940, 15 पॉइंट्स अप 15 पॉइंट्स डाउन, एंड लास्ट में 44,693, 15 पॉइंट्स अप 15 पॉइंट्स डाउन। ये सारे लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बैंक निफ्टी दो दिन से बेचारा थोड़ा सा कंफ्यूज है। देखोगे तो ये डे भी जो आपका मंडे का था और ट्यूजडे का, दोनों दिन मार्केट कंफ्यूज था, इसीलिए हो सकता है कल के दिन में हम लोग को अच्छा मोमेंटम वाला डे मिले, क्योंकि जब भी दो दिन का कंसोलिडेशन हो जाता है तो मार्केट में एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट मिलता हुआ दिखता है, इसको याद रखिएगा, और स्पेशली इन बैंक निफ्टी। तो कल का दिन मुझे जितना एक्सपेक्टेड है कि एक ट्रेंडिंग हो सकता है आइदर अपसाइड या तो डाउनसाइड, इसलिए कल के डे को मिस ना करिएगा गाइस, ठीक है। अब इसको कैसे प्ले करना है, सबसे पहली बात तो मार्केट में एक बार मार्केट ने एक बहुत बड़ा स्पाइक दिया था और हमारा ही येलो लेवल से रिजेक्शन भी लिया था। ये येलो लेवल कल के दिन में भी आपके साथ शेयर था, क्यों शेयर था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ओआई डाटा का जोन है 45,500। तो कल के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कल के दिन में मार्केट गैप अप खुलता है या तो आपका मार्केट साइडवेज या गैप डाउन कहीं से भी खुल के पूरे दिन में कभी भी अगर मार्केट कल के दिन में क्रॉस करेगा, कभी भी, मैं क्लियरली बोल रहा हूं कभी भी, 45,520 के लेवल के ऊपर जाके अच्छे से थोड़ा सा सस्टेन करेगा तो आपको एक लॉन्ग साइड का मोमेंटम मिल सकता है 45,653 का। ये लगभग 90% ट्रेड एक्यूरेसी के साथ ये वाला पोजीशन बनेगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत सारा वाई भी डेवलप करा है, बार बार आज रेजिस्टेंस भी लिया है, कॉल ऑप्शन सेलर्स भी प्रेजेंट है, एक और बार रेजिस्टेंस लिया है और दो तीन दिन से रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो काफी सारी पॉइंट्स है जो यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा बुलिश साइड का शॉर्ट कवरिंग की रैली को दिखा सकता है। उसके बाद अगर मार्केट इसको भी तोड़ेगा तो नेक्स्ट रैली यहां तक की मिल जाएगी, आप बाइंग साइड में कर सकते हो। अब अगर मार्केट कल के दिन में साइडवेज खुला तो कुछ नहीं करना, आप अपनी पीजीएस स्ट्रेटजी, प्रीमियम गेम स्ट्रेटजी को यूज करिएगा। जो लोग आज भी यूज करें, आज भी काफी अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं यूज करा है तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट क्लिक मिल जाएगा, वहां पे अपना कूपन कोड पीजीएस कैपिटल लेटर में लगा लेना एंड उससे डिस्काउंट अवेलेबल करके अपना उसको लेने की कोशिश करना एंड उसको पढ़ाई करना। तो उसके बाद आप यहाँ पे अपनी पीजीएस स्ट्रेटजी को शानदार तरीके से लगा के यूज करके प्रॉफिट निकालते रहिएगा। और थर्ड, अगर मार्केट कल के दिन में आपका ब्रेकडाउन कर देता है 45,200 के लेवल को, तब मार्केट में एक सेल ऑफ का प्रेशर अच्छा आ सकता है जिसका टारगेट आपका 45,000 या तो 44,942 तक का आराम से बनता हुआ दिख सकता है। तो कल के दिन में ब्रेकडाउन लेवल आपके लिए 45,200 है, इसको मार्केट अगर अच्छी तरीके से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो एक सेलिंग का प्रेशर आपको डाउन साइड में मिलता हुआ दिख जाएगा, तो इसको मिस आउट ना करिएगा। सो अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स का। सो निफ्टी में सबसे टॉप पे लेवल आपका होता हुआ दिखेगा 21,816 का, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल 21,742 का, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका 21,644 का, देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 21,500 का, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 21,373 का, एंड लास्ट एंड द मोस्ट 21,244 का। ये निफ्टी के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आज निफ्टी में क्लियरली ये चीज देखा गया कि निफ्टी में कॉल ऑप्शन सेलर्स काफी अच्छी तरीके से प्रॉफिट्स को बनाए, एंड इस प्रॉफिट्स को बनवाने में रिलायंस ने भी काफी मदद करा क्योंकि वो टॉप लेवल से बहुत ज्यादा सेलिंग के प्रेशर में था,
कल के दिन में देखा गया था कि रिलायंस पूरा सपोर्ट कर रहा था मार्केट को, बट आज रिलायंस सबसे ज्यादा वीकनेस को भी शो करता हुआ दिखा। तो इसीलिए आपका निफ्टी के लिए एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो था मार्केट का वो ब्रेक करता हुआ दिखा, काफी अच्छा खासा नेगेटिविटी का आज निफ्टी में प्रेशर दिखा। एंड कॉल ऑप्शन सेलर्स ने ही मेनली क्यों पैसा बनाया, क्यों पुट ऑप्शन बायर्स ने नहीं बनाया, क्योंकि पुट ऑप्शन बायर्स बहुत बेचारे डर चुके थे, जो रियलिटी है मार्केट की। एंड उसके बाद भी मार्केट जब ब्रेकडाउन कर रहा था ना, तब भी मार्केट में इतना अप डाउन हो रहा था कि बहुत ज्यादा लोग होल्ड नहीं कर पाए। तो इसीलिए कुछ ही पुट ऑप्शन बायर्स ही प्रॉफिट बना पाए होंगे या थोड़ा मोड़ा स्कैल्प में अपना प्रॉफिट को निकाल लिए होंगे, बट पूरा मोमेंटम को होल्ड करना वॉज रियली वेरी टफ फॉर टूडे। ओके, बट कोई नहीं, कल के दिन में हो सकता है इट विल बी इजी फॉर अस, सो देखते हैं। बाकी मैं कल के दिन में बैंक निफ्टी को थोड़ा ज्यादा टारगेट करने वाला हूँ, क्योंकि कल के दिन में बैंक निफ्टी में पहले ही बताया 2 दिन का कंसोलिडेशन है, अच्छे ब्रेकआउट्स हैं, वाई डेटा बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, किसी भी साइड अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा तो मजा आता हुआ दिखेगा। तो आप भी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब आपको क्या ध्यान देना है कि कल के दिन में निफ्टी में क्या क्या है। निफ्टी में देखो, सेलिंग जो आज के दिन में स्टार्ट हुई थी वो इन्हीं लेवल से स्टार्ट हुई थी। तो अगर कल के दिन में पूरे दिन में कभी भी मार्केट 21,646 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता है, तब तो मार्केट में भैया बुलिशनेस आ जाएगी अच्छी लेवल की, 743 एंड दूसरा 812 दोनों लेवल आ जाएगा। तो कल के दिन में मार्केट अगर गैप अप खुला, सपोर्ट बनाया कहीं से, इसको ब्रेक करा, तो लॉन्ग बहुत एग्रेसिव कर सकते हो आप, अच्छा खासा प्रॉफिट निकल सकता है। बट अगर कल के दिन में मार्केट साइडवेज खुला या गैप अप भी खुला बट नीचे आ गया, तो नीचे ये सपोर्ट लेवल है 21,500, वाई डाटा का भी सपोर्ट लेवल है, भले ही पुट वाई बहुत कम प्रेजेंट है बट एक सपोर्ट है, इसको आप ऑब्जर्व करते रहिएगा। यहां से एक बार हो सकता है सपोर्ट भी ले, फिर इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आप सेलिंग साइड में जाइएगा 373-374 तक के लेवल के लिए, डाउन साइड में आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है। थर्ड केस सिनेरियो कि अगर मार्केट कल के दिन में डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन के केस में मुझे जितना लगता है ये छोटा सा गैप पेंडिंग है, तो मार्केट तुरंत से उसको फिल करेगा एंड डाउन साइड में 373 तक का तुरंत से आपको टारगेट मिल सकता है। तो पहला वहां तक का टारगेट, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की, फिर उसको भी ब्रेक करा तो 241 तक का डाउन साइड में और टारगेट आपको मिलता हुआ दिख सकता है। तो ये आपका निफ्टी का ओवरऑल एनालिसिस था। मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जरूर से मेक श्योर करिएगा आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आप डेली ही ऐसे कंटेंट को एंजॉय कर पाओ एंड हमारी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर पाओ। अगर आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पूछ सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बेसिक टू एडवांस कुछ भी पढ़ना है, उसके साथ साथ अपना अकाउंट ओपनिंग में जल्दी से लग जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो, मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल। ओके।